हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम जी, कैसे हो आप सब। तो गाइस, मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ भाई हिमाचल प्रदेश घूमने। दो दिन का हमारा ट्रिप है, मैं और मेरी मासी की फैमिली है। मासी का बेटा है, हेलो कर भाई, ये दूसरी मासी का बेटा है। तो हम सारे जा रहे हैं भाई हिमाचल प्रदेश। तो भाई दो तीन टूरिस्ट प्लेसेस है, वहाँ पर हम जाएंगे। श्याम बाबा का मंदिर है सिरमौर, वहाँ जाएंगे। एक शनिदेव महाराज का मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे और भाई पहाड़ों के मजे लेंगे, हिल्स ऑफ क्वीन हिमाचल प्रदेश। तो भाई चलते हैं। तो भाई ये दो गाड़ी आए हैं हमारे साथ, एक ये है नई टियागो और एक ये मेरे वाली होंडा सिटी। और अब भाई यमुनानगर रुके हुए हैं हम पंजाबी रसोई में, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाएंगे और फिर यहाँ से हम हिमाचल में एंट्री कर जाएंगे 10-15 किलोमीटर के बाद, और फिर भाई पहाड़ी चालू हो जाएंगी, बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस, जैसे हम चाय पी के निकले, थोड़ी दूर बाद हिमाचल में भी सीएनजी पंप था, तो भाई यहाँ पे ऑनलाइन पंप और बहुत बढ़िया प्रेशर है भाई, और 94 का रेट है, हरियाणा से सिर्फ 4 रुपये महंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, एवरेज भी तो बढ़िया है। तो भाई अब यहाँ सीएनजी डलवा के और अब निकल रहे हैं। क्या मामाड़ा छोरा राज्य हो रहा है, ओ सॉरी मोसियाड़ा छोरा राज्य हो रहा है। तो भाई फाइनली हम हिमाचल में एंट्री कर गए हैं। देखो भाई लंबे लंबे हिमाचल वाले पेड़ आ गए हैं, बारी बारी। ये मेरी मौसी ठंड मान रही है। तो भाई बहुत मजा आ रहा है, पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गया। मौसी लोकेशन तो बढ़िया है की। तो भाई निकल गए हम, ये मौसी स्मार्ट मम्मी या मेरी दूसरी मौसी। पहाड़ होगी शुरुआत भी नहीं हुई अच्छे से, पर भाई फील ऐसी आ रही है जैसे पहाड़ों में गाड़ी चल रही है, ऐसे 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 सांप की तरह। एक साथ ना पादा बन हैं, घंटी मारते आवे। देखो भाई ये खड़े हैं, घने नहीं था, दो या तीन गाड़ी होगा। तो भाई फाइनली हम हिमाचल में पहुंच गए हैं। ये देखो भाई सामने का व्यू कितना प्यारा है, क्या बात है। पानी नहीं है बिल्कुल भी, ना पानी नहीं है, ये इधर भी सूखा पड़ा है, सूखा पड़ा है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, कौन पत्थर पर। क्या बात है, बहुत जबरदस्त व्यू है भाई, और सूरज देखो भाई पहाड़ों का सूरज। देखो भाई सामने का व्यू कितना प्यारा है, एकदम से नीचे जाके और फिर ऊपर जाना है। ये साइड में पानी भी है, आप बोल लो मसी मेरी जरूरत ना पड़े। ये भाई जो हमारे साथ में आए थे इनका गुणा तो का चला गया, क्या मजा ये तुमने। ये देखो भाई ये यहाँ पे पुल है, ये देखो भाई अजीब और गरीब पुल है। तेरा बोलो इतना बढ़िया चल रहा है। देखो भाई इधर पानी पानी, ए मौसी कितना पानी, देख डैम है उस साइड, तुमको दम होती है। हां पतला पतला रोड है। तो गाइस फाइनली हम हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन तो क्या यार, ये पहला टास्क हमारा। देखो भाई बहुत बड़ा मंदिर है यार यहाँ पे शनिदेव महाराज का, तो भाई बहुत जबरदस्त। एक एक चीज दिखाऊंगा आपको इस मंदिर की, बहुत जबरदस्त कलाकारी कर रखी है पेड़ों के साथ भी। मंदिर में देखो भाई काम चला हुआ है, यो टूटी भी है। तो भाई जैसे ही मंदिर एंट्री करते हैं, देखो भाई राइट हैंड साइड में कितना प्यारा मंदिर बना रखा, अरे हाय हाय शनिदेव महाराज का। देखो भाई कलाकारी देखो हिमाचल वालों की, दिख रहे हैं भाई ये देखो भाई कैसे मुंह बना रखे हैं शनिदेव के मंदिर पे। कम से कम भी भाई ज़्यादा नहीं कहता हूँ, कम से कम भी 5,000 फेस होंगे। ये देखो भाई साहब बिल्कुल, पूरे मंदिर पे इर्द गिर्द जहाँ पे भी देखो भाई फेस ही फेस है शनिदेव महाराज के, क्या बात है।
स्टैंडर्ड देखो भाई पंडित जी का, ये तो उनका मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है भाई यहाँ पे। और ऊपर देखो भाई फेस बने हुए गमलों के भी, देखो भाई। और यहाँ पे रहते हैं वो, ये को देखो भाई बालाजी महाराज की, रोशनी देव महाराज की मूर्ति देखो भाई साहब कितनी बड़ी है, क्या बात है। और वो पीछे आपको हल्का हल्का सा पहाड़ नजर आ रहा होगा, पहाड़ों में अब हम वीडियो बना लो माड़ी मोटी। तो भैया देखो पीछे मम्मी जी हैं, या मौसी अंदर है, दिग्दी तो कौन है, दिग्दी। तो गैस यहाँ पे घूम लिए हम, बहुत बढ़िया मंदिर है भाई, बहुत कलाकारी कर रखी है। और यहाँ पे ना एक बहुत खास बात है भाई, जो मैंने आपको दिखाया था ना उस पे 10,008 शीश बना रखे हैं शनिदेव महाराज के, मतलब 10,008 भाई, अनबिलीवेबल यार, कितनी कलाकारी लगी होगी, कितना टाइम लगा होगा 10,008 शीश बनाने में, पूरे मंदिर में 10,008 शीश लगे हुए हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं होटल पे, और कुछ कन्फर्म भी नहीं है भाई, क्योंकि यही बनाएंगे, कहाँ का प्लान बनाएंगे। तो भाई वैसे बहुत मज़ा आ गया यार, तो अब चलते हैं। तो भाई गणेश जी महाराज बताने। तो भाई ये हमारा रूम, एक तो ये है, इसमें तो देखो भाई पुराने जमाने का बीपीएल टीवी, और वॉशरूम, चलो एसी तो है, ये स्टडी टेबल। और गाइस ये है हमारा दूसरा रूम, इसमें देखो भाई मम्मी मासी और सारे बैठे हैं। और भाई होटल के सामने व्यू देखो भाई साहब, पहले तो उधर का देखो भाई, सारा मार्केट बिल्कुल मेन बाजार में लिया हमने रूम, कि भाई रात को कौन सोता है भाई ऐसी ऐसी जगह पे आके। और सामने देखो भाई बिल्कुल बस स्टैंड है, ये सामने बसेस खड़ी हैं। ये देखो भाई पूरा बड़ा होटल है, यहाँ पे मोबाइल की शॉप है, परचून की शॉप है, फ्रूट्स की। और उधर देखो भाई ये सामने बस स्टैंड है भाई, बहुत बढ़िया लोकेशन है यार, बिल्कुल मेन बाजार में है। क्या हो गया? फुल एंजॉय। और भाई अब 10:30 बज गए, और अब हम खाना खाने आए हैं। तो ये देखो भाई सारे बैठ गए हैं। तो भाई अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल मैं जाऊंगा भाई जहाँ पे बाबा श्याम जी का शीश रखा गया था महाभारत के युद्ध के टाइम, मैं वहाँ जाऊँगा और कल वहाँ पे बाबा श्याम जी का आपको मंदिर दिखाऊंगा। जय श्री श्याम।